यू आर वॉचिंग गली न्यूज। दोस्तों, आगरीपाड़ा क्लासिक टावर केस में थोड़ा सा एक नया मोड़ आया हुआ है। आज हमारी जो है एक डेलीगेशन, जिसमें डॉक्टर शाइस्ता, शी इज़ अ डॉक्टर फ्रॉम टाटा हॉस्पिटल, एडवोकेट आदिल खत्री और मैं सलीम शेख, गली न्यूज़, हम लोग ने एक डेलीगेशन बना के आगरीपाड़ा पुलिस स्टेशन में गए। आज संडे था, पहला रोज़ा था, फिर भी कुछ ऐसे सर्कमस्टेंस आए जो आज आना पड़ा तीनों को। हम यहाँ पर आके डेलीगेशन में बात की, सीनियर पी आई गायकवाड़ साहब से बात की, जो कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थे। कुछ सवाल जो गली न्यूज़ हमेशा उठा रही थी और जो इनके कहने पर जो इनके परिजनों ने उठाया था, उस सवाल के कुछ जवाब मिले। जैसे कि पहले एक सवाल था कि उस घर में खिड़की नहीं है, तो हमें ये पता चला और ये फ़ोटो दिखाई गई कि उस घर में जो है खिड़की एक बहुत बड़ी खिड़की थी जो हम तीनों ने देखा। तीसरी बात जो है ऊपर से गिरने की बात है, सारी चीज़ें पोस्टमार्टम रिपोर्ट पे बात की। बात करते हैं डॉक्टर आदिल खत्री से, एडवोकेट आदिल खत्री से। आदिल भाई, आपने आप बताइए, यहाँ पर तो कोई है नहीं, इसलिए मैं आपसे सवाल करता हूँ। जी, हमने गली न्यूज़ की रिपोर्ट देखी और ऐसा लगा हमको कि लड़की के साथ बहुत गलत हुआ है, एक 15 साल की लड़की का अननेचुरल डेथ हुआ है। तो और मीडिया में भी ऐसा दिख रहा था कि बहुत गलत हो रहा है और कोई उनको सपोर्ट नहीं कर रहा, इसीलिए एक डेलीगेशन आया हमारा और पुलिस से पूरा प्रॉपरली हमने डील। मैडम, हाँ मैडम, अपने आपको इंट्रोड्यूस करेंगे। आई जस्ट से कि हम लोग आने के बाद यहाँ पर हमने पुलिस से पूरी चीज़, जो भी मेडिकली और लीगली जो भी हमारे डाउट्स थे, वो हमने पुलिस से पूछा और उसके बाद पुलिस का भी कॉपरेशन हुआ और पुलिस ने हमको पूरी डिटेल बताए। उन्होंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो फोटोग्राफ्स है वो दिखाए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी भी अवेटेड है, पर जो एलिगेशन था कि लड़की के गले पे स्ट्रैंगुलेशन मार्क है और ये सब बिल्कुल वो फोटोग्राफ्स में नहीं दिख रहा था। और बाकी जो डाउट्स थे वो भी हमने क्लियर करे यहाँ पर। और अभी हम पुलिस से रिक्वेस्ट करें कि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, डिटेल पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, वो कल आएगी, तो वो हमारे से शेयर करें। हमारे साथ डॉक्टर्स हैं तो वो डिटेल को स्टडी करेगी और उसके बाद अगर हमें लगेगा तो हम लोग पुलिस से ये भी रिक्वेस्ट करेंगे कि एक सेकेंड पोस्टमार्टम करा जाए, अगर हमको लगा ऐसा कि पोस्टमार्टम प्रॉपर नहीं है तो। जी जी मैडम, क्या मेरे पास, मैं डॉक्टर शाइस्ता हूँ और मेरे पास इनके फैमिली के कुछ करीबी लोग आए थे। उन्होंने मुझे बहुत रिक्वेस्ट किया कि आप सामने आइए और हमारे लिए कुछ कीजिए, तो हमने फैसला किया कि हम उनकी हेल्प करेंगे। उनका बोलना ये था कि हमारी बच्ची के साथ कुछ गलत हरकत हुई है घर में और उसको उसका गला दबा के मार दिया गया है। और ये जो लोग वहाँ से आए थे वो ये बोल रहे थे कि उसकी गर्दन पे एक काला निशान है कि उसको जान लेके उसकी मार दी गई है। तो ये सब हमको उसके लिए बहुत हमदर्दी हुई और हमने एक टीम बना के हम यहाँ अभी इस मैं आदिल के साथ यहाँ आई हूँ, एडवोकेट आदिल के साथ में। इसमें हम पुलिस स्टेशन के जो मेन इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है उन्होंने पूरी तरह से कोऑपरेट किया है और उन्होंने ये कहा है हमको कि उन्होंने सारी फोटोग्राफ्स, जो फोटोग्राफ्स थी पोस्टमार्टम की, वो भी हमको दिखाई है और बहुत ये कहा उसमें कहीं भी वो गर्दन पे ब्लैक मार्क भी नहीं है और क्लियर इंडिकेशन है कि वो एक हाइट से गिरी है और उसके पीठ पीछे उसके जिस्म पे जो जो मार्क्स हैं, उसको जो जो फ्रैक्चर्स हैं, हो रही थी कि ब्लड नहीं गिरा, ब्लड नहीं निकला, ब्लड तो ब्लड उन्होंने फोटो दिखाया, ब्लड भी बहुत ज़्यादा निकला है और वो जो उसकी बैक पे मार्क्स हैं, जहाँ जहाँ उसको फ्रैक्चर हुआ है, उसके क्लियर इंडिकेशंस उसकी बॉडी पर हैं। और जो यही सब और प्रोविजनल रिपोर्ट जो पोस्टमार्टम की है वो हमारे साथ शेयर की गई है और फाइनल रिपोर्ट अवेटेड है, जो कल या परसों आएगी तो हम आके देखेंगे। दोस्तों, पीआई गायकवाड़ साहब ने हम तीनों को दावत दिया था, दावत मतलब कहा था, दावत मतलब खाने की दावत नहीं दिया था। पीआई गायकवाड़ साहब ने कहा कि आप तीनों चलिए स्पॉट पर, चलिए मैं आपको सब बताता, मगर क्योंकि अभी रोजे का वक्त है और वहाँ पर जाना सही नहीं है, इसलिए हमने ये बात जो है कल मैडम ने कहा कि जो फाइनल पीआई रिपोर्ट कल या परसों तभी भी आती है, तब तक उससे बात करेंगे। यू एग्री विद दिस? मेरा ये बोलना है कि अगर किसी को भी, कोई भी पर्सन को कोई और जानकारी है जो पुलिस तक नहीं पहुंची या वो पुलिस तक नहीं पहुंचा पा रहे, तो वो आपके ज़रिए से हमारे तक पहुंचाए, हम डेफिनेटली उसको पुलिस तक पहुंचाएंगे। अगर ज़रूरत पड़ी तो हम लोग हाई कोर्ट में रिट पिटीशन भी फाइल करेंगे, मगर अगर ऐसी कोई जानकारी है तो आप प्लीज़ उसको सामने लाइए, क्योंकि मीडिया में अलग अलग बात चल रही थी मगर प्रॉपरली कोई आकर यहाँ पर बोलने के लिए रेडी नहीं है कि एग्जैक्टली क्या हुआ है। जैसे कि अभी एक ने फ़ोन करके हमें बताया कि ये पहला केस नहीं है सैफ मोजा वाला के घर के अंदर, इसके पहले भी एक मेड के साथ कुछ हुआ है, तो वो जानकारी भी अपन ने इनको दे दी जी। ये जानकारी दी, पर कोई सामने आना चाहिए प्रॉपरली और
पूरी डिटेल में बात करना चाहिए। अगर कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन जो पुलिस के पास नहीं है तो आप पुलिस को दे सकते हो। अगर पुलिस के पास आपको डायरेक्टली जाने के लिए प्रॉब्लम हो रहा है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, तो हमारे से शेयर कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम पुलिस तक, कोर्ट तक ये बात लेके जाएंगे। बट कोई प्रॉपर जानकारी के उसके साथ सेक्सुअल अगर असॉल्ट का जो बात हो रही है वो हुआ है नहीं हुआ है वो तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आएगा। पर अगर ऐसी कुछ बात है या किसी ने उनके साथ सुना है, वो लड़की को कुछ बोलते हुए देखा है कि उसको कोई प्रॉब्लम है, तो ये सब बातें आप हमसे शेयर करिए, पुलिस से शेयर करिए, तो इन्वेस्टिगेशन पुलिस भी प्रॉपर कर पाएगी। मैडम चलिए, अगर एक हम ये सोचते हैं कि सपोज ऊपर से गिरी हो, सुसाइड भी किया हो उसने किया हो, मैं ऐसा भी हो सकता हूँ, व्हाट लेड टू द सुसाइड, इट इज़ अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन। नाउ द फाइनल पीएम रिपोर्ट जो आएगी ना सलीम, उसी में हमको ये बारे में पता चलेगा। आई विल से ऑन दिस लीगली, अगर ऐसा कोई है तो या तो वो अपने पेरेंट्स से शेयर करी होगी, कोई फ्रेंड से शेयर करी होगी। पेरेंट ने, माँ ने कहा था ना कि मेरी बेटी ने मुझे बुलाने को बोला, फिर मैंने वहाँ बात की तो उसके फैमिली वाले बोले ईद के बाद आना। पुलिस ने बिल्कुल ऐसा नकार दिया, उन्होंने कहा कि कोई सेक्सुअल असॉल्ट का एंगल है ही नहीं। अगर ऐसा है तो आपके चैनल पर, मैं आपको बोलता हूँ कि आपके चैनल पर आप स्टेटमेंट लीजिए, और फिर अगर पुलिस नहीं लेती तो हम लोग हैं उनके साथ खड़े रहने के लिए। एक बात है, कुछ फाइंडिंग पुलिस की भी होती है ना। अब जैसे क्राइम पेट्रोल देखते हैं तो कहाँ का केस वो लोग कहाँ से सॉल्व करते हैं, वो भी तो सब हकीकत वाले केस थे ना। तो एवरीथिंग डिपेंड अपन पुलिस हो, एवरीथिंग डिपेंड्स कि जिसके घर की बच्ची गई है उनको अगर कोई चीज़ मालूम है तो वो पुलिस के सामने रखिए, हमारे सामने रखिए, तो हम लोग उनको प्रॉपरली गाइड करेंगे। अगर आपको चीज़ पता है और हमें नहीं पता है तो कैसे चलेगा। सेक्सुअल असॉल्ट का सिर्फ पीएम पर ही डिफाइन हो सकता है, और अगर लोगों को इस पीएम पे शक है तो वो आगे, उनकी फैमिली आगे आकर वो दूसरे पीएम के लिए अपनी तरफ से रिक्वेस्ट कर सकती है अगर उनको कोई शक है तो, और हम लोग उसमें हेल्प करेंगे उनकी। मगर अगर कुछ है डिटेल तो पुलिस से शेयर करिए, पुलिस कोऑपरेट करने को रेडी है आपको। तो दोस्तों देखिए, क्लासिक टावर आगरीपाड़ा केस में आज एक डेलीगेशन गया जिसमें डॉक्टर शाइस्ता शीफ फ्रॉम टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल, एडवोकेट आदिल खादरी और मैं सलीम शेख, हम लोग तीनों ने एक डेलीगेशन मिला के बात की। हम आपको ये भी बताते, उस दिन जो रास्ता रोका गया था और जो पुलिस के साथ झड़प हुई थी, तो पुलिस ने जो है आगरीपाड़ा पुलिस स्टेशन में कुछ लोगों को उसके अंदर अरेस्ट किया है और सेक्शन 353 के तहत भी उन पर कार्रवाई हुई है ना, राइट ना आदिल, ये बात की है। तो दोस्तों अभी आज के लिए इतना ही, मेरे ख्याल से रोजे का टाइम हो रहा है, निकलते फिर जी। बहुत बहुत शुक्रिया गली से बात। You are watching Delhi News.